शुद्धि में जीता है माने अकल से जीता है, विवेक से जीता है, अहंकार से नहीं, दुर्बुद्धि से नहीं। शुद्ध बुद्ध योगी वो योगी है, समताधारी, सुख दुख लाभ हानि सब में समानता से जीता है वो पुरुष योगी। वो कैसे भी हो, कहीं भी हो, शुद्ध बुद्ध योगी समताधारी, ज्ञान ध्यान मन बारी, उसके हृदय में ज्ञान हुआ है ऐसा जानो, तो ध्यान है उसका निरंतर प्रमाण। चलते फिरते खाते पीते ज्ञान ध्यान मन भारी, कर्म कलंक को दूर करी सा, कर्म के बंधन में नहीं आता। अच्छा किया तो भगवान को धन्यवाद देता है, गलत हो गया तो कान पकड़ के माफी मांग लेता है, वो कर्म के बंधन में नहीं आता। अच्छा किया तो तू भगवान को धन्यवाद देता है, तेरी बलिहारी है, गलत हो गया तो क्षमा मांग लेता है, ऐसी बुद्धि मत देना। शुद्ध बुद्ध योगी समताधारी, ज्ञान ध्यान मन भारी, कर्म कलंक को दूर करी सा, जीव बने शिव नाई, वो जीव शिव के समान। आप स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना, सास सतावे तो बहू ने परेशान होने की जरूरत नहीं, बोलना सताए उसका वो भरेगी, मैं मेरी मगन रहूं। बहू सतावे तो सास ने टेंशन नहीं लेने का, बोलना सताएगी तो उसका भोगेगी, मैं मेरी मस्त रहूं, मेरा परमात्मा जानता है कि मेरा क्लियर मामला है, मैं मेरी परमात्मा की मस्त। बेटा सताए तो बाप ने खुश रहना, बाप सताए बेटे ने खुश, इसका पाप पुण्य वो भरेगा, वो उसको बच छूटेगा नहीं। गुरु सताता है शिष्य को आकारण, तो गुरु शिष्य ने समझने का कि गुरु का भोगना वो भोगे, मैं तो न्याय कर रहा हूं। शिष्य सतावे तो गुरु ने समझना कि मैं इसके साथ न्याय कर रहा हूं, ये मूर्खतावश नहीं जाने तो मैं क्या करूं। अपना कर्म क्लियर करने का, लेकिन कर्म की मीमांसा जरूर समझने का, ये भी एक गुण है। नहीं तो कोई गलत भी करे न बोले कि मैं अच्छा ही कर रहा हूं, वो भी उल्टी रीत है। पहले निश्चय कर लो, समझो ठीक से, मीमांसा समझो उसकी, उसके भाव समझो। बड़ों के पास, शास्त्रों के पास, आत्मा के पास उस चीज को टेस्ट करो। नहीं तो कई लोग घमंड में, हम जो करें वो बिल्कुल अच्छा है। रावण कहता था मंदोदरी समझावे विभीषण समझाए, तो रावण कहेगी कोई गलत नहीं है, राजा के पृथ्वी पर सारी संपत्ति राजा की होती है, राजा जो करे वो न्याय संगत होता है। मैंने सीता हरण करके लाया, कोई गलती नहीं है, सीता एक झोपड़ी में पड़ी थी, मैं महल में लेके आया, उस महल में लेके आया, क्या गलती की बताओ। अब दादागिरी करके गलत बात को, खुलेआम सफेद चोरी है उसको भी साजुक बन रहा है, अब क्या करें। इसका मतलब कोई पीछा नहीं छूटने वाला, मंदोदरी को सजा नहीं मिली, विभीषण को सजा नहीं मिली, इसी मूर्ख को सजा। तो पहले बुद्धि को पूरी तरह सफा करना, न्याय अन्याय सच झूठ उचित अनुचित ठीक से समझ लेना, उसके बाद ये भी जवाबदारी है सबकी। तो अन्याय करे चले जाओ और धमकी धमकी में अपना सब ठीक है, अपना बराबर है, उसकी गलती है, ये भी उल्टा हो जाएगा। एक शब्द पूरा कर दूं, पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन भाषा।
पाठन को करो अभ्यास, निस्वार्थन को करो अभ्यास, लहो सदा सुख आसा। पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन पास। साधारण मनुष्य जाति के पास क्या है? पर की आशा, जिसमें सदा निराशा भरी हुई है, खोल कर देखे तो, और वो उन्हीं के ऊपर भरोसा करे, परिवार के ऊपर, मित्रों के ऊपर, सगे संबंधी के ऊपर, समाज के ऊपर भरोसा करे। इतना भरोसा कि परमात्मा से ज्यादा भरोसा भी कम नहीं। बापूजी मैं जरूर सत्संग में आने वाला, बच्चे का एडमिशन वो जरूर, हाँ मैं भी एक धक्का लगाते हूँ जरूर, वो तो बहुत ही जरूरी है भाई। ये क्या करते हो? ये उसके 25 साल की आशा पर जी रहा है। 25 साल गारंटी है भी कि नहीं है, और निकलेगा भी कैसा वो भी मालूम है? पूछा है कभी? हमारे महापुरुष कहते कि जवाई ले गया बेटी को और बहू ले गई बेटे को, तू लटक गया बीच। एडमिशन करा करा के बड़ा छाती फुला के चल रहा, अब वहां एडमिशन मिल गया, वहां एडमिशन। मैं कभी इंजीनियर का बाप, कभी डॉक्टर का बाप, केवल मन से मान के बैठे रहना, मिलेगा कुछ नहीं। तो कहता है कि एक गरीब आदमी, घर में खाने पीने को नहीं था, लेकिन जरा सा वो मतलब अपने क्रेडिट को बरकरार रखना चाहता था बेचारा, बड़ी बड़ी मूछे की, उसके ऊपर दो दाने चावल के रख ले, जाके सभा में बैठ जाए। बोले कोई पूछे, अरे साहब आपके इस पर चावल, अरे हाँ वो क्या है, खीर खा के आया और जल्दीबाजी में खा के आया, तो खीर वीर कुछ नहीं रहे घर में, दाल सब्जी की मारा मार रहे, पर वो ऐसा टांग ले दो दाने मूछ के ऊपर चावल के और पहुंच जाए। तो ऐसा करना पड़ेगा, अंदर तो रोगे, बाहर आके कहोगे कि एक बेटा अमेरिका में है, एक वो चाइना में है, सुखी है। तो पत्नी को धक्का मारेगा, पत्नी उसको धक्का मारेगी कि क्या है, क्या है? बोले अब किस्मत क्या है, बात क्या पड़ी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो फर्ज पूरा नहीं करो, वो फर्ज ईमानदारी से पूरा करो, लेकिन भरोसा किसी और पर करो, जिस पर सबने भरोसा किया और सबका भरोसा सफल जो किया वो पर करो। ये तो फर्ज समझ के निभाओ, जरूरी निभाओ, इसमें कोई ये नहीं है, पर एकदम आशा करके। पर की आशा सदा निराशा, मैंने भी शिष्य बनाए, बहुत आशा है, अभी भी चल रही गाड़ी। पर दूसरों उनको ही कहता हूं कि मैंने गलती की, तुम मत करना, उनको मैं कहता हूं कि नहीं भाई, अच्छे रहना, साफ शिष्य मिश्य मत बना, यूं ही काम चला ले, वो भी समझ जाते होंगे। बहुत विचित्र है ये सारा संसार, विचित्र है।
और वो जीव को उल्टी। पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन पाशा। तो फिर क्या करो, जो आपने मेहनत करके धन कमाया है, दान करो, पुण्य कर्म करो, परोपकार करो, तीर्थ यात्रा करो, जितना समय मिला है उसमें से समय निकाल कर अध्ययन करो, सत्संग करो, सुमिरन करो, आत्म उन्नति का धन इकट्ठा करो। सब कुछ लुटा दोगे तो फिर मुश्किल हो जाए, कोई नहीं सुनने वाला। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, वो तत्व की तरफ ले। पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन पाशा। तीर्थाटन का करो अभ्यासा, लहो सदा सुखरासा। अब जो लोग दो दिन ये माहौल में आ गए, मैं तो कहता हूं कि घर में 6 महीने में इतना सुख का अनुभव नहीं होगा, उतना 2 दिन में सुख लेकर जाओगे। और 6 महीने याद करोगे, कोई 12 महीने याद करो, वो 12 महीने वो सुख भूलते नहीं आप लोग, इसलिए आपको बराबर याद रहता है। किसी को चिट्ठी नहीं जाती, पत्रिका नहीं जाती, किसी को आमंत्रण नहीं जाता, हमको केवल भरोसा रहता है कि ऐसा मंडप लगाओ ये भर जाएगा, केवल भरोसा। हम कोई पूछते नहीं फोन से कि कितने 1000 लोग आ रहे, किस किस को पूछेंगे। तो ये जो है ये आपके आत्म सुख का परिचय है। बिना कुछ मिले कोई कहीं जाता नहीं, और पक्का कि आपको मन जैसा खाना नहीं मिलता, मन जैसी व्यवस्था नहीं मिलती, मन जैसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो आत्मा जैसा मिलता है, इसलिए 12 महीने में नहीं भूलते। अब मैं आपको पूछूं कि 1 महीने में आपने कितनी बार टेस्टी भोजन किया, तो आप नहीं बताओगे, बुलबाल गए कि 1 महीने में आपने कितने त्योहार मनाए, कितने टेस्टी भोजन किए, गिनती से बताओ। कि बापूजी 1 महीने में 8 बार बहुत टेस्टी भोजन किए, या 10 बार, या 5 बार, या 15 बार, बोलोगे वो क्या याद रहता है बापू जी, किए ऐसे करते हैं तो एक दिन याद रहता है, दूसरे दिन चटनी मिली की और भूल जाते, टेस्टी की हवा निकल जाती। एक दिन टेस्टी मिला और दूसरे दिन बगैर टेस्टी मिला कि कल का टेस्टी की हवा निकल गई। वो इंद्रियों का भोजन है, इसलिए उसका कोई दम नहीं है। ये आत्मा का भोजन है, इसलिए मैं कहूंगा कि पिछले वर्ष, तो आप जरूर जवाब दोगे कि पिछले वर्ष बहुत आनंद आया, या पिछले वर्ष से इस वर्ष बहुत आनंद आया, अर्थात 1 वर्ष भी याद रखा आपने। तो प्रिया ऐसी क्या गहराई, ये आत्म सुख है, ये आत्म सुख है, इसलिए वो याद रहता है। क्या क्या कर रहे हो, क्या शब्द यूज कर रहे थे आखिरी, पर प्यासा सदा निराशा, हो गया वो तो। तीर्थाटन को करो अभ्यासा, लहो सदा सुखरासा। ये तीर्थ है, आत्म कल्याण का जो भी कार्य हम करें, तीर्थ। आखिरी हो गया कबीर साहब का, आप स्वभाव मेरे अवधूत सदा, सदा।
जगत जीव है कर्मादिना, जन्म जन्म से ये कर्मों के बंधन का जीव है, न जाने किसके कैसे कर्म है, किसकी कैसी व्यवस्था है, कैसी उसकी जीवनचर्या है, कैसे उसके जीवन में क्या क्या परमात्मा को करवाना है क्या नहीं करवाना है सारा फिक्स होता है। मनुष्य तो केवल स्वीकार मात्र कर ले और चलता जाए। जो शास्त्र सम्मत कर्म है वो उसके फिक्स है, जो अन्याय करता है ये एक्स्ट्रा करता है और वो गलत है। जो न्यायोचित है, न्यायोचित क्या है, वो सारे शास्त्र प्रमाण है, गुरुजनों के सारे संदेश है, प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है कि आप उसे अच्छी तरह समझ सकते, और हमारी आत्मा सबकी वो खुद न्यायाधीश है। अगर चोर को ये पता न रहे कि मैं गलत कर रहा हूं तो वो छुप कर चोरी करने क्यों जाए, वो तो सामने आए भाई ये हार पसंद आ रही मैं तोड़ लू, ये आपके जेब में पैसे दिख रहे मैं निकाल लेता हूं, मुझे पैसे चाहिए, नहीं वो पीछे खड़ा रहता है चुपके से बड़े सावधानी से जेब काट, पता न चले नहीं जूते पड़ेंगे। तो उसके आत्मा में पता है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, इसका परिणाम जूते है, पुलिस कोठड़ी है, डंडे पड़ेंगे, नाक कटेगी, उसे पता है ये गलत है इसलिए छुपके करता। मंदिर में कोई छुपके जाता है क्या? बड़ा हार टांग लेता है और ज्यादा लटका लेगा हार को, नरियल एक हाथ के बजाय दो हाथ में पकड़ लेगा, सब लोग देखेंगे भाई बड़ा धर्मात्मा जा रहा। 12 महीने में एक बार मेरे सामने आएंगे लेकिन हार मेरे गले में डालने की कोशिश कर, मैं कहता हूं हाथ में दे दे, बोले गले में ही डालूंगा, मैं इतना भी प्रेम मत कर ला। क्योंकि उसके आत्मा में मालूम है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं इसलिए वो इतना निर्भीक है, बात दूसरी कुछ नहीं है। अब वो मेरी कुछ निकालना चाहे या मेरे कोई दागीने या मेरा कपड़ा खींचना चाहे तो ऐसा करेगा क्या? चोरी से करना पड़ेगा क्यों? गलत कर। तो ये गलत है ये अच्छा है ये मैसेज कौन देता है? हम सभी की आत्मा देती है और वही परमात्मा संदेश है, उसको हम नजरअंदाज करते हैं, इसके लिए लूटे जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, बहुत अद्भुत है। कल मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा अगर भगवान ऊर्जा देंगे तो, और देंगे ये मेरा भरोसा है, मेरे से ज्यादा आपको भरोसा कि वो ऊर्जा देते हैं, कितना देते क्या देते वो उनकी मर्जी का सवाल। ठीक है, अब मैं यहाँ विसर्जन करूंगा, अभी हमको और भी काम करने हैं, रात में थोड़ा सा बैठ, दिन भर से काम कर रहा हूं, ये मीटिंग वो मीटिंग वो मीटिंग, गरीबी है ना तो गरीबी के कारण गरीबों को इतना भी बहुत बड़ा लगता है, अब जो साधन संपन्न लोग हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए क्या, सब जंगल में बैठे। आवक है कम और जावक है ज्यादा, बड़े चतुराई से राम राम कर करके पूरा करना, अच्छी बात है, लेकिन सब होता है। तो इसलिए आनंद से रहो, भगवान तो सुरक्षा में ही आपकी सब, हम तो कुछ कर नहीं सकते, भगवान करेंगे। और ये इसका जो प्रोजेक्ट सामने लगा दिए ना, ये वहां लगाने की जगह नहीं है,